चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आर्चर फिश। ये ब्लैक आर्चर है, इसमें एक और आती है सिल्वर आर्चर। इसमें दो से तीन वैरायटी के आर्चर आते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है। जैसे कि आप लोग घर पे वाइल्ड कॉट फिश पालते हैं, पफर हो गया, रेसर फिश हो गया, ऐसे फिश में ही ये भी फिश है, लेकिन ये कुछ उससे डिफरेंट फिश है। जैसे कि फ्लाइंग फिश देख सकते हो आप, या फिर ये उससे भी अलग फिश है, क्योंकि जो लीफ आता है, पत्ता झाड़ आता है जो टैंक के ऊपर, जो वाइल्ड में जो प्लांट वगैरह आते हैं उसके ऊपर जो रहता है, वो कीड़े जो रहते हैं उसको पानी से फेंक के कीड़े नीचे निकालते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक फिश है, ये वाइल्ड कॉट फिश है, मतलब ये नेटिव फिश ही है। जैसे कि हमारा म्यांमार जो आता है बॉर्डर इलाका, उस जगह के रिवर पे ये मिलते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल फिश है और ये एक्वेरियम में पालने के लिए बहुत अच्छी फिश है। लेकिन इसमें क्या है, आप सभी फिश मिला के रखेंगे तो ये उतना खास ये ध्यान नहीं देंगे पानी फेंकने में। इनको आप अगर सेपरेट ऐसे ही रख के, जैसे कि मैं अभी रखती हूँ ऐसे सेपरेट रख के, इनको अगर आप पालेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल कलर में आएंगे और बहुत ही अच्छे साइज में भी आ जाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4.5 इंच के साइज में बड़े होते हैं, उससे बड़े नहीं होते ये। और ये बहुत टैलेंटेड फिश है, आप देख सकते हैं पूरे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। ये बहुत टैलेंटेड फिश है, जैसे कि फ्लोरॉन हो गया, अरवाना हो गया, सिम, वैसे ही ये सब टैलेंटेड फिश है। तो अगर जिसको भी खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी मतलब बैंगलोर में नियर बाई है तो वो शॉप पे विजिट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो मुझे उधर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको नई अपडेट चाहिए या नया वीडियो चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।